हाँ जा भैया, बहुत सारे लोगों को भैया क्यूबेक घूमने आना है, वो सोचते भी हैं यहाँ पे सब फ्रेंच चलता है तो थोड़ा डर लगता है, मज़ा नहीं आएगा भैया। तो आज भैया आज के वीडियो में भैया आपको पूरा का पूरा क्यूबेक का दर्शन दूंगा भैया। यहाँ पे हर चीज़ कैसे उसका अंदाज़ा दूंगा भैया, आपको थोड़ा अंदाज़ा आएगा। अभी ये विंटर का रोड है भैया, आपको बैंक बताऊँगा, हॉस्पिटल बताऊँगा, छोटी छोटी चीज़ें मालूम पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सब भाई यहाँ पर बस की राह देख रहे हैं, बस स्टेशन है भैया, ये बार है भैया, और अभी हम लोग ये पिज़्ज़ा है, ये बहुत ही बड़ा पिज़्ज़ा का शॉप है भैया, और ज़्यादातर इंडियन लोग यहाँ पे ऑन करते हैं भैया, उनको फ्रेंच आता है भैया, बहुत सालों से ये लोग होते हैं। तो देखिए तो अभी हम लोग बैंक पे आ गए हैं, ये देशजार्दा ये क्यूबेक का जो मेन बैंक है ना वो भैया यहाँ पर है, ये है गैस स्टेशन भैया। अभी हम लोग शराब के अड्डे पर चलते हैं भैया, ऐसा ही यहाँ पर क्यूबेक में भी यहाँ पर शराब के हर अड्डे है, लेकिन यहाँ पर नियम का बहुत चुस्त पालन होता है भैया, यहाँ पर करप्शन वरप्शन को नो चांस है। तो ऐसा क्यों, यानी कि एसोसिएटेड अल्कोहल द क्यूबेक, यानी क्यूबेक का जो अल्कोहल है भैया उसका ये ऑथोराइज शॉप है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, सोच रहे भैया यहाँ पे विंटर में यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है। तो भैया दिखाता हूँ, देखिए भैया यहाँ पे ये भाई भैया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम जहाँ से चल रहे हैं भैया यहाँ पर कोई चीज़ रुकती नहीं है भैया, विंटर में सब एडजस्ट करता है। यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करने आते हैं भैया, ऐसा बड़ा सा कैमियो ले के आते हैं। देखा ये स्ट्रीट पर घर ऊपर से कैसा लाकड़ा चढ़ा दिया, और वहाँ से वो भैया उपाड़ रहा है यार। हर चीज़ ऐसे ही चलता है भैया, हर चीज़ कंस्ट्रक्शन का काम, हर कोई चीज़ चालू रहती है भैया। आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाते हैं भैया, बढ़िया सी, कि यहाँ पे हमारे घर पे भैया कितना मस्त है भैया, और यहाँ पे क्या कोई भी चीज़ कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते। देखिए टॉयलेट भी लेके आए हैं कंस्ट्रक्शन वाले, और कचरा डालने के लिए रबिश डस्टबिन भी लेके आते हैं भैया। अभी हम लोग ये सिग्नल लाइट पर बटन दबा देंगे और रोड क्रॉस करके भैया यहाँ का जो शातो फोंताना, शातो बोले तो ये पुराना यहाँ का भैया जो किला है वो दिखाते हैं भैया। और यहाँ पे सब लोग अपना कुत्ते के साथ है, बताते भैया सब स्की करने आते हैं। आप सब सोच रहे हैं भैया यहाँ पे स्नो में क्या करते होंगे लोग, तो आपको दिखाते हैं भैया। देखिए आप सोच रहे भैया ये बूढ़ा आदमी इतना शेप में क्यों रहता है तो हम भी यही काम करते हैं भैया, बुढ़ऊ है लेकिन हम लोग के पैसे के लिए पागल नहीं है, ये हम लोग रोज़ ऐसे स्की करने आते हैं ऐसे यहाँ पे हमारे घर के पास। ये देखा भैया उससे क्या आपका एकदम बॉडी फिट रहेगा, देखा छोटा बच्चा भी कैसे आया यहाँ पे और ऐसे स्की करते हैं भैया, उससे बॉडी आपका बहुत एकदम तंदुरुस्त रहता है। देखिए ये मैया अपने बच्चे को सिखा रही है कैसे स्की करते, देखा छोटा बच्चा भी चल रहा भैया। देखिए ये लड़की कैसे एकदम हवा में उड़ रही भैया, ये अलग प्रकार का ड्रग है भैया, इसमें जो मज़ा है ना भैया लाइफ अलग सी अलग ही चलती है। तो ये क्यूबेक कनाडा का भैया बढ़िया सा मॉर्निंग का सीन है भैया, यहाँ पे सभी लोग भैया रोज़ घूमने आते हैं। अभी चलते हैं भैया पार्लियामेंट की, और आपको घुमाने ले चलते भैया पार्लियामेंट कैसा है। हमने आज अपने ऑफिस के शूज़ पहने इसलिए पूरा बर्फ़ में पड़ा हुआ है, ऐसे ही घर से उठा उठा के आ जाते हैं भैया स्की करने के लिए। तो हम लोग हमारी गाड़ी लेके वहाँ पे चलते हैं, और बच्चे भैया देखो स्कूल वाले बच्चे जो मैडम है भैया उनको ऐसे घुमाने ले जाती है बच्चों को स्कूल से भैया, तो क्या उनको अच्छा लगता है, बच्चे अभी स्कूल से छुट्टी मार के घर जा रहा है भैया। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है धमाधम, अपनी गाड़ी इसके पीछे लगी हुई है भैया एकदम, ऐसे भी ट्रैफिक हो गया। देखिए भैया स्कूल की बस कहाँ से निकले अपनी गाड़ी भैया, एकदम ब्लॉक हो रही है हर एरिया में भैया, देखा यहाँ पे भी हॉर्न बज रही है आते भैया कंप्लीट, अपनी गाड़ी निकाल के और भी आपको घुमाएंगे भैया। पूरा पीछे का रास्ता भैया, और यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, और यहाँ पे गाँव में जैसे पिछवाड़े का रास्ता है ये पिछवाड़े का रास्ता भैया, और स्नो यहाँ पे भी बड़ी अच्छी तरह साफ करते हैं ये लोग। और जो भी लोगों को क्यूबेक आना भैया तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए 15 मिनट का पार्किंग लगा, देखा भैया वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा रखी है भैया। और यहाँ पे देखिए रोड तो भैया स्नो से भरा हुआ है, लेकिन ये फुटपाथ है ना देखा भैया, इसमें चल चल के आपको चलना पड़ता है, तो फुटपाथ है भैया, वैसे कल के आप घूमने निकल सकते हैं। ये जर्मन होटल है, यहाँ का बड़ा सा होटल है भैया, हम लोग सामने की ओर चलते भैया। देखिए तो ये ओल्ड क्यूबेक है भैया, और यहाँ पे लोग बोलते हैं भैया पुराने ज़माने में ना भैया सब यहाँ पे बग्गियाँ चलती थी, बग्गियाँ बोले तो हॉर्स की, जब यहाँ पे गाड़ियों की शोध नहीं हुई थी भैया, जब लोग नए नए आए थे ब्रिटिशर्स ये फ्रेंच, तो यहाँ पे बग्गियाँ चलती थी,
देखिए सब लोगों ने अपनी गाड़ी कैसे कायदे से लगा रखी है ना, और आपको नहीं मालूम है तो बता देता हूँ भैया, सभी गाड़ी का मुंह है ना ऐसा नहीं कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रखा है, देखा सभी का मुंह भैया वन टाइप एक ही तरफ लगा हुआ फेस है, तो ऐसे लगता है भैया यहाँ पे कायदा है ना भैया, हर जगह पे कैमरा लगा हुआ है तो उसका पालन बहुत होता है भाई ये कायदा का। ये म्यूजियम है, म्यूजियम सिविलाइजेशन भैया, और ये देखिए वहाँ पे देखा भैया क्यूबेक का वो पुराना झंडा झमक झमक हो रहा है भैया, ऐसी छोटी छोटी गलियाँ है भैया, और ये यहाँ पे पुराने ज़माने में ना बहुत ही अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास था भैया, और ये ओल्ड क्यूबेक है भैया। यहाँ पे घर लेने के लिए मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है भैया, यहाँ पे मकान ले सकते आपको महंगा मिलेगा, लेकिन पार्किंग की बहुत ही जफा मारी रहती है भैया, और इसके लिए ना आपको ये थोड़ा संभाल के देखना पड़ेगा कि भैया पार्किंग कैसे करें। देखिए ड्राइविंग भी कैसा एकदम टाइट टू टाइट है भैया, इसीलिए लोग थोड़ा सा दूर थोड़ा थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं सिटी से, ताकि क्या अच्छा सा मज़ा आए। बाकी यहाँ पे लाइफ एकदम अच्छा है भैया, यहाँ पे आपको बाहर लगता है स्नोवा के अंदर तो जाएंगे ना भैया तो घर में तो हैवी ड्यूटी एकदम होगा, आपको ज़रा भी ठंड नहीं लगेगी भैया। तो अभी हम लोग थोड़ा एक और स्टॉप लगा कि भैया हमारी गाड़ी का हालत देखिए क्या हो रखा है, सब जकड़ पकड़ हो रखा है भैया, चलते अंदर। ये है पुराना क्यूबेक, और हमारे जैसे जोधपुर राजस्थान उदयपुर में भैया तोप लगते ना भैया, यहाँ पे भी ऐसी तोपों की सलामी होती है, काली काली सब तोपें लगाई हुई है देखा भैया, और जो वॉर हुआ था ना भैया तो ये सब फ्रेंच की तोपें है भैया, और जो वो इंग्लिश लोग आ रहे थे भैया वहाँ पे बहुत सालों पहले, वो वहाँ से भैया वहाँ से तोपें लगा रहे थे, और ये पूरा का पूरा पुराना क्यूबेक है भैया, और बहुत सारी तोपें लगा रखी है भैया देखा, और यहाँ पे पार्किंग लेना यानी कि बहुत ही हाल बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है भैया, कभी आपको गूगल करने का चांस मिले तो देख लेना रिव पोर्ट दोपाई इस यहाँ के उसके पास पास में ही रहते हम लोग भैया। ये क्यूबेक का भैया बहुत ही अच्छा सा एरिया गिना जाता है भैया, ये 1613 की साल में भैया सब लोग यहाँ पे आए थे, देखिए देखिए भैया ये गियोम कुयार्ड और ये इनकी मेन है जाति भैया, देखिए कहीं पे हेलीकॉप्टर जा रहा है देखा भैया, ये आर्मी का हेलीकॉप्टर निकल रहा है सुबह सुबह में, तो ये एकदम कॉमन चीज़ है भैया, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट के आसपास के एरिया में ही है भैया देखा। हमारे क्यूबेक हमारे जोधपुर उदयपुर में होता है भैया, ऐसा ही ये वॉकिंग स्ट्रीट है ओल्ड क्यूबेक में, पूरा विजिटर से भरा हुआ है भैया, और ये जो स्टोर है भैया बहुत अलग सा है, यहाँ पे 365 डेज भैया सब क्रिसमस का ही सब शॉपिंग रहता है देखिए, और यहाँ पे इसी में भैया सब बढ़िया सा शॉपिंग का एरिया है, देखिए ये म्यूनिसिपालिटी के वर्कर भी आ गए भैया काम काज करवाने के लिए, और यहाँ से उतर के जाएंगे तो आगे छोटा सा किला है भैया, यहाँ पे अपने हिंदी फिल्म का शूटिंग हुआ था एक चर्च में, कौन सा फिल्म का चर्च है वो हमको नहीं मालूम भैया, इतना बढ़िया म्यूजिक बज रहा है भैया देखिए एकदम मस्त चकाचक लाइव। तो भैया फीडबैक में भैया ये ऐसे वीडियो कैसे लगता है मेरे को कमेंट में लिख के बताना भैया, तो हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे भैया, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना भैया, शेयर कर देना किसी और के पास भैया उसको बता देना, तो क्या सब लोग ये नहीं सोचे भैया कि अगर आपको कनाडा रहना है तो इंग्लिश सीख के ही आ सकते भैया, यहाँ पे फ्रेंच सीख के भी मेरी तरह आ सकते हैं, और क्यूबेक में मेरी तरह भैया अच्छे से सेट हो सकता है, लाइफ बहुत बढ़िया है क्यूबेक में भैया, एक बार हमारे घर पे अभी आके देखो क्यूबेक में लाइफ एकदम चकाचक है भैया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका परदेसी बाइक का आपको यहाँ से मेरा सलाम।